बिलासपुर में पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना की प्रशंसा की और रिटायर्ड कैप्टन चौधरी रामलाल ठाकुर ने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया पर गलत मैसेज नहीं डालने चाहिए। जिन परिवारों के शहीद सैनिक होते हैं उन्हें दुख होता है कि लोगों को सोच समझकर ही सोशल मीडिया पर मैसेज डालने चाहिए। भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जिसमें पाकिस्तान के 3 आतंकवादी टेम्पो में लगभग 300 लोगों को मार गिराया है और कश्मीर में हुए हमले का बदला ले लिया है, जिस पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पे जो कार्रवाई की गई है वो बहुत ही सराहनीय है। भविष्य में अगर कोई आतंकी हमला होता है भारत पे या कुछ भी होता है तो ऐसे ही कदम उठाए जाने चाहिए। भ्रम पैदा करते हैं या गलत बयानबाजी करते हैं, वैसा मेरा तो एक सैनिक होने के नाते ऐसा उन सब से प्रार्थना है कि ऐसी कोई गलत बयानबाजी ना करें। इससे जो है जो शहीद परिवार हैं और भारतवर्ष की सेना है उसका मनोबल थोड़ा कम होता है। और ये जो है हम आज इस घड़ी में जो है सब लोग जैसे साथ हैं तो इसको जो है और भी ज़्यादा लोगों में जो है उत्साह है कि ये इतना बड़ा काम किया है। ये पहले जो है सुनते थे कि दूसरे देशों में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, लेकिन मैं इसका जो है मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनकी सरकार को, कि उनकी सरकार के आने के बाद सेना को जो ये खुला हाथ मिला है कि स्थान और समय जो है सेना तय करेगी, इसके लिए भी हम मोदी सरकार के जो है बहुत बहुत आभारी। सोशल मीडिया पर ऐसे जो है कुछ शरारती तत्व या कुछ अपने अज्ञानता के कारण कुछ लोग जो है ये कुछ अलग अलग जो है सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि इसका जो है कोई बदला नहीं लिया गया, इसका कुछ ये नहीं हुआ, लेकिन हमें तो पूर्ण रूप से जो है उस दिन से ही ये पता लग गया था कि मोदी जी सही समय से और भारतवर्ष की जो है सेना है वो सही समय से जो है इसका जो है बदला लेगी। जो आज जो है कर दिखाया है हर आदमी में, इससे जो है प्रसन्नता की लहर है। रिटायर कैप्टन चौधरी राम ठाकुर, ये हमें आज बहुत साहस हो रहा है कि ये पुलगांव में जो हमला हुआ था उसके बाद लोगों में एक ये बहुत गुस्सा था। उस गुस्से को जिस दिन जो है मोदी जी ने ये बात बोल दी थी कि सेना समय और स्थान खुद तय करेगी, उस दिन से हमें तो विश्वास हो गया था कि भारत इसका बदला लेगा। भारत की सेना इस करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, जिसका नतीजा आज जो कर दिया कि सेना ने 3 जगह सर्जिकल स्ट्राइक 2 करके इस पे जो है 200 से 300 आतंकवादी को मार गिराया। उसको इसके लिए हम मतलब आज जो शहीद जो लोग हुए हैं उनके परिवार में भी खुशी है कि बदला लिया है और आम नागरिक जो है इससे जो है बहुत खुश है। वायुसेना द्वारा भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया वो बहुत ही सराहनीय कदम है और जो हमारे शहीद पुलवामा में शहीद हुए उनका बदला भारत ने ले लिया।